ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैतिक। मित्रों, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मंत्रों से संबंधित है। मंत्र क्या है, मंत्र की उत्पत्ति, मंत्र के प्रकार और विभिन्न प्रकार के मंत्रों को हम इस नई श्रृंखला में शामिल करेंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में तंत्र, मंत्र और यंत्र को एक साथ बोला जाता है, परंतु सामान्य जन इसमें भेद नहीं समझते। वास्तव में ये तीनों अलग अलग शास्त्र हैं। हिंदू परंपरा में मंत्रों का अधिक प्रयोग व प्रचलन है। आज के वीडियो में हम मंत्र किसे कहते हैं या मंत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मंत्र एक प्रकार की वाणी है। हिंदू श्रुति ग्रंथों के पारंपरिक रूप को मंत्र कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। मंत्रणा और मंत्री शब्द की उत्पत्ति इसी मूल मंत्र शब्द से हुई है। बहुत विचार और चिंतन के बाद निकली हुई बात को भी मंत्र कहते हैं। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों और शब्दों के समूह से बनती है। मंत्रों के जपने से एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो समूचे शरीर और वातावरण में हमारी प्राण ऊर्जा के साथ मिलकर अभिवृद्धि करती हैं। मंत्र जब से उत्पन्न प्रकंपन शरीर के सूक्ष्म तंत्रों तथा हार्मोन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्राचीन काल में प्रार्थना को ही मंत्र माना जाता था। तब मानव का विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्ध हो सकती है। विज्ञान की उत्पत्ति और विकास के पहले विभिन्न रोग राक्षस या पिशाच माने जाते थे। इन पिशाचों का शमन मंत्रों द्वारा ही किया जाता था। मंत्रों के उच्चारण केवल उच्चारण नहीं था, उसके साथ क्रियाएं भी थीं। मंत्रोच्चारण के समय मंत्र कहने वाला अंगुलियों, नेत्रों और मुख के संचालन से क्रियाएं भी करता था। मंत्र शब्द का अर्थ असीमित है। वैदिक ऋचाओं का प्रत्येक छंद मंत्र कहा जाता है। देवी देवताओं की स्तुति और यज्ञ हवन में कहे जाने वाले शब्द समूहों को भी मंत्र ही कहा जाता है। धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले शब्द समूहों को भी मंत्र कहा जाता है। दिव्य शक्तियों की प्राप्ति में प्रयुक्त शब्द समूह भी मंत्र हैं। मंत्र शब्दों का एक खास क्रम है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का स्पंदन पैदा करते हैं। मंत्र से निकलने वाली स्थूल ध्वनि तरंगों के अलावा उसके साथ हमारे भाव व संकल्प की तरंगें भी होती हैं जो इन्हें शक्तिशाली बनाती हैं। मंत्रों में अपार शक्ति होती है और इनकी संख्या भी महाप्रभु की तरह असंख्य व अनंत है। मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है। त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। मंत्र का अर्थ शास्त्रों में मनः तारयत इति मंत्रः के रूप में बताया गया है, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।